Βλέπε, βλέπε. Κέντραμαν, βαξί. Τι είναι εδώ σας μας πάνε, να σκέ καρότε. देखिए कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे कोविड के केसेस में काफ़ी सिग्निफिकेंट नुमायाँ गिरावट आई है और उसके लिए मैं तमाम श्रीनगर वालों का आप मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है तमाम मीडिया वालों ने इस मैसेज को काफ़ी आम किया और हमने देखा कि हर जगह किसी मार्केट में देखें आप या जहाँ भी गैदरिंग थी वहाँ हर किसी ने मास्क पहना होता है। तो आप देखें कि थर्ड वेव में जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी कि 4000 केस पर डे आएंगे, लेकिन तमाम उन प्रेडिक्शंस को हमारे श्रीनगर वालों ने गलत साबित कर दिया। हमारे 1700 सिर्फ 1700 ही हाईएस्ट पीक पर केसेस गए हैं और वहीं से नीचे आना शुरू हो गए। और अगर आप देखेंगे आप 100 के करीब केस निपट गए, 100 के करीब आ रहे हैं, लेकिन हमें 100 को ज़ीरो करना है ताकि कोविड पेंडेमिक है इसको पूरा पूरा यहाँ से तभी ख़त्म होगी जब हम सब मिलकर कहीं पर भी सेलिब्रेशन का मकाम नहीं है। हम बिल्कुल नहीं समझे कि बस अब केसेस कम हो गए हैं तो अब हम मास्क छोड़ सकते हैं, बल्कि हमें और ज़्यादा स्ट्रिक्टली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। लगभग 6000 के करीब एक्टिव केसेस आज भी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। सर ऐसे आने वाले दिनों में सर स्कूल खोले जाएंगे जिस तरह से केसों में कमी आ रही है सर? देखिए स्कूल्स के बारे में स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी इसमें जल्दी फैसला ले लेगी और इसीलिए मैं सभी से अपील करूंगा कि पेरेंट्स से खासकर कि 15 to 18 जो एज ग्रुप है उसमें वैक्सीनेशन बच्चों का करा के रखें। ये प्रिपरेटरी एक्टिविटीज स्कूल खोलने से पहले वैक्सीनेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम पूरे एतमाद के साथ स्कूलों को खोल सकते हैं कि उसके बाद हमारे बच्चे सेफ़ हैं और स्कूलों को खोलने के बारे में जो फाइनल डिसीजन है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी लेना। सर आप सबको पता है कि बिफोर 7 days के एसिड अटैक हुआ श्रीनगर और कल श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ड्राइव निकाल जिसमें बहुत सारी शॉप्स को सील किया गया है जो इलीगली एसिड भेज रहे थे, तो आर वी गोइंग टू सी सच ड्राइव इन फ्यूचर ऑल्सो? देखिए एसिड अटैक का जो आपने जिक्र किया उसमें कल जो ड्राइव्स हुई थी उसमें मार्केट्स के अंदर हमारी जो तैनात कमेटीज़ हैं पूरी सेल को रेगुलेट करने के लिए कल 13 प्रीमिसेस सील किए गए और ये ड्राइव इसके बाद भी जारी रहेगी। मिस्टर साहब मैजोर नगर के कुछ डेलीगेशन जो है आपसे रिसेंटली, तो उसमें उन्होंने खुद तजवीज़ दी थी कि हम वो जो फुट ब्रिज है वो हम खुद ठीक करेंगे, लेकिन आपने उनको इनिशिएटिव करने के लिए मना किया है जबकि उसमें एसएमएस जो है वो चाहती है कि उसमें काम करें। क्या लोगों का ये फ़र्ज़ नहीं था कि वो खुद काम करें या देखिए आपका आपने सवाल भी खुद बताया और जवाब भी खुद दे दिया अपने आप को। थैंक यू। मैं समझा नहीं सर। आपने मैं दोहरा देता हूँ, आपने सवाल भी खुद से पूछा है, जवाब भी आपने उसका खुद दे दिया है। इसके आगे मुझे कुछ नहीं बोलना है। आवाम की जो मुश्किलात हैं उनको दूर करने के लिए हम हमेशा पेश पेश रहते हैं। सर ऐसे कहते थे कि खुद वो ठीक करें, आपने माना नहीं? देखिए मैंने कहा आपने जो सवाल मैन्युफैक्चर किया है, जो फैब्रिकेट किया है सवाल, उसका क्यों नहीं है सर? उसका सवाल का जवाब भी आपने खुद दिया है, सवाल भी आपने पूछा है। सर एसिड अटैक जो विक्टिम थी वो उसकी कंडीशन क्या है अभी, क्योंकि वो अभी चेन्नई हॉस्पिटल में है? देखिए एसिड अटैक विक्टिम जो है उनको गवर्नमेंट ने कंप्लीट उनका जो इलाज है सारा गवर्नमेंट खुद बेयर कर रही है। उनको जो माली मदद थी वो भी हमने प्रोवाइड की, उनको यहाँ से चेन्नई शिफ्ट किया गया गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से और ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शंस पर। तो हम एसिड विक्टिम के सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि एसिड विक्टिम के कंप्लीट रिहैबिलिटेशन के लिए हम वादाबंद हैं, हम बिल्कुल उसमें कंप्लीट उसका पूरा ध्यान रखेंगे। सर आप डॉक्टर्स के साथ आपका कांटेक्ट है, व्हाट अबाउट हर आई साइट? देखिए डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट दी है उसमें काफ़ी पॉजिटिव प्रोग्नोसिस काफ़ी पॉजिटिव है और हम दुआ करते हैं, हम सब मिलकर ये दुआ करते हैं कि एसिड विक्टिम जो है एसिड सर्वाइवर वो जल्द सेहतियाब होकर वापस अपनी जिंदगी जो है शुरू। सर जो एक्यूज्ड है उनको जल्द से जल्द सख्त से सख्त एसएसपी साहब मौजूद हैं, इसका जवाब दे देंगे। इस इन्वेस्टिगेशन हमारी बड़ी जोर शोर से हो रही है, 4-5 के अंदर हमारी चार्जशीट हो जाएगी फाइल और हम स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन जो है जो भी एप्लीकेबल होती है इस केस में वी इंश्योर कि स्ट्रॉन्गेस्ट वो लगे और जल्दी से जल्दी इस केस की चार्जशीट फाइल हो जाएगी और उसके बाद
दैट फ्रॉम प्रोसिक्यूशन ऑल्सो साइड कि इस केस का फैसला सर आज देखा जाता है कि जो ड्रग यहाँ पे है ड्रग माफिया वो बढ़ता जा रहा है जो यूथ है वो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है उसके लिए क्या किया है एकदम काफ़ी ज़्यादा हमारा इस पर भी हो रहा है काम आपने किया होगा कि हमारी कुछ नार्कोटिक स्पेशल हेल्पलाइन भी है मेड जहाँ पे कोई भी आम शहरी ही कैन हैव द इंफॉर्मेशन वो हमें इंफॉर्मेशन हेल्पलाइन पे ही कैन सेंड और काफ़ी जोर शोर से इस पर हो रहा है काम सर अगर हम देखें आज अफजल गुरु की डेथ एनिवर्सरी हम कश्मीर में देखते थे कि शॉप्स बंद रहती थी शट डाउन ऑब्जर्व करते कश्मीरी और आज सारा मार्केट खुला है हाउ श्रीनगर पुलिस इज सीइंग दिस नॉर्मलिटी का है साइन सर एंड व्हाट श्रीनगर पुलिस इज गोइंग टू डू सो दैट जो एसिड अटैक हुआ तो ऐसे अटैक फ्यूचर में नहीं हो जाए सबसे पहले आपको ये कहा गया कि हम इंश्योर की सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जो है उनका पूरा और कोई भी ओपन सेल ऑफ एसिड इट शुड नॉट हैपन इन सिटी तो हम उसका ख्याल रखेंगे आगे से और ये इंश्योर होगा कि ऐसा डैग दोबारा थैंक यू थैंक यू थैंक यू दूसरा पार्ट है